आजाद भारत के इतिहास में सन 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित हुआ है। ऐसे परिणामों की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चुनाव के मामले में स्वयं को पंडित समझने वाले को जनता ने ऐसी पछाड़ लगाई कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। चुनाव वाकई में बहुत अजीब हुए हैं, परिणाम भी गजब आए, लेकिन मतदाताओं ने सभी का सम्मान भी किया। इस चुनाव में सबसे खास बात यह रही कि सत्तारूढ़ दल भी हारा और विपक्ष भी हारा, लेकिन सत्तारूढ़ दल हारकर भी सत्ता में बरकरार है और विपक्ष हारकर भी जीत की स्थिति में है। लोकतंत्र भी शर्मसार होने से बच गया, ईवीएम पर दाग लगने से भी बच गया, विपक्ष भी बच गया और सरकार भी बच गई। लोकसभा चुनाव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि विदर्भ में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। शिवसेना और राका में फूट के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति भरपूर आत्मविश्वास में थी और यही आत्मविश्वास महायुति को न केवल विदर्भ बल्कि समूचे महाराष्ट्र में ले डूबा है। राज्य भाजपा की कमजोर नीतियों के कारण ही आज केंद्र में भाजपा बहुमत से थोड़ी दूर दिखाई दे रही है और उसे नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सत्ता के मत में इस कदर नेता चूर हो गए थे कि अब हर सीट पर उन्हें अपनी जीत नजर आ रही थी। राजनीतिक गलियारों में जो विचित्र खेला हुआ है उस पर जनता की गहरी निगाह थी और उस खेले में शामिल लोगों को कड़ा सबक जनता ने आखिर सिखा दिया। स्वयं को सबसे बड़ा वोट कटवा समझकर अपने पक्ष की बड़ी डील करवाने में व्यस्त रहे बहुजन वंचित आघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर को जनता ने बुरी तरह जमीन सुंघा दी है। इस बार प्रकाश अम्बेडकर के उम्मीदवार न ही जीत सके और न ही कांग्रेस को हरा सके। अब भविष्य की राजनीति में हर राजनीतिक दल प्रकाश अम्बेडकर को हसीये पर डाला जाना है और वो अभी से ही तय हो गया है। दलित मतदाता अब उनसे दूर होते जा रहे हैं। इस चुनाव में सबसे दयनीय स्थिति यदि किसी की हुई है तो वह है प्रकाश अम्बेडकर। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे से लेकर अजीत पवार तक सभी को कुछ न कुछ जनता ने दिया, लेकिन अम्बेडकर के हाथ खाली ही रहे। न वे जीत सके और ना ही किसी को हरा सके। उनके पास अब आत्मचिंतन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। उन्हें अब राजनीतिक दल के नेता पूछ रहे हैं और ना ही मीडिया का ध्यान उनकी ओर जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाते भाजपा की दयनीय स्थिति का जिम्मेदार चंद्रशेखर बावनकुड़े को भी माना जाएगा। बहुत वर्षों बाद भाजपा की खराब हालत होती दिखाई दे रही है। हालांकि बावनकुड़े ने राज्यभर का दौरा किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की उंगली पकड़ के चलने के अलावा अन्य कोई उल्लेखनीय कार्य भी बावनकुड़े नहीं कर पाए। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की आज वाहवाही हो रही है। बावनकुड़े को अब भविष्य में बहुत सोचना होगा, फूक फूक कर कदम उठाने होंगे। कई लोगों को भाजपा में प्रवेश के समय दुपट्टा पहनाने के कार्य के अलावा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना होगा। नागपुर लोकसभा की यदि बात करें तो नागपुर लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं छिड़ी थी। कई लोगों को ये एहसास भी हो गया था कि यहाँ से जो रुझान आएंगे वो गडकरी के पक्ष में ही आएंगे और हुआ भी वही। गडकरी ने अपने बलबूते पर चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाली और हर रणनीति में जो नितिन गडकरी है वो शुरू से ही सफल दिखाई दे रहे थे। चुनाव से पूर्व संविधान का मुद्दा उछाला गया, इसके चलते गडकरी की हार होने की बातें फैलाई जा रही थी। जातिवाद का मुद्दा भी उछाला गया, लेकिन जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं देने वाले गडकरी इन खबरों से जरा सा भी विचलित नहीं हुए। उन्हें अपने चाहने वालों पर पूरा यकीन था और यही कारण है कि नागपुर लोकसभा से गडकरी 1 लाख की लीड से जीतकर सामने आए।